नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। भाई आज की वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन वर्सेस टाटा हैरियर के बेस वेरिएंट एक्सई का। तो दोस्तों, टाटा सफारी में आपको जो इंजन मिलता है 2.0 लीटर यानी 2000 सीसी का फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन, यहाँ पर आपको 167 bhp मिलती है 350 nm टॉर्क के साथ। अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो एन के इंजन की, तो यहाँ पर आपको डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। बात करें स्कॉर्पियो एन के Z2 डीजल इंजन की, तो यहाँ पर आपको 2.2 लीटर फोर सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जो 132 bhp जनरेट करता है 300 nm टॉर्क के साथ। तो भाई हैरियर में आपको लगभग 37 bhp और 50 nm ज्यादा टॉर्क मिल जाता है स्कॉर्पियो से। बात की जाए गेयरबॉक्स की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलते हैं, लेकिन अगर आप इन गाड़ियों के अपर वाले वेरिएंट लेंगे तो वहां पर आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएंगे 6 स्पीड में ही। दोनों गाड़ियों में यहां पर एक अंतर ये भी है, टाटा हैरियर आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव है और स्कॉर्पियो एन रियर व्हील ड्राइव। तो भाई स्कॉर्पियो एन के पीछे वाले दो पहिए जान लगाते हैं और हैरियर के फ्रंट वाले दो पहिए जान लगाते हैं। तो दोस्तों, स्कॉर्पियो एन रियर व्हील ड्राइव है, इसलिए आपको ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज हल्की सी बेहतर स्कॉर्पियो एन में मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो भाई टाटा हैरियर में जो आपको बेस वेरिएंट एक्सई मिलता है और जो उससे ऊपर वाला वेरिएंट है एक्सएम, दोनों में ही आपको सेम सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं बिल्कुल। एबीएस, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, एंटी थिफ्ट अलार्म, डुअल एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रैश सेंसर, रोल ओवर मेडिगेशन, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल, डिस्क ब्रेक वाइपिंग, ऑल फोर डिस्क, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको टाटा हैरियर के बेस वेरिएंट एक्सई और उसे ऊपर वाले वेरिएंट एक्सएम में मिल जाते हैं सेफ्टी के नाम पर। और भाई बात की जाए इधर स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट यानी Z2 की, इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स के नाम पर मिलता है ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, डुअल एयरबैग, चाइल्ड सेफ्टी, रियर सीट बेल्ट, एडजस्टेबल सीट, क्रैश सेंसर, ईबीडी, एंटी पिस्ट ड्राइवर विंडो। तो दोस्तों, अगर सेफ्टी फीचर्स वाइज देखा जाए तो हल्की सी टाटा हैरियर स्कॉर्पियो एन से बेहतर है सेफ्टी फीचर्स के मामले में, लेकिन बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों ही गाड़ियों की लगभग सेम ही मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले फीचर्स की। तो भाई टाटा हैरियर के कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले फीचर्स में आपको स्टूडियो जैसा कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर आपको फैब्रिक अपोलिस्ट्री, डिजिटल विद एनालॉग स्पीडोमीटर, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, रियर बेंच सीट, रियर एडजस्टेबल हेड रेस्ट, 3 ड्राइव मोड्स, कीलेस एंट्री, ऑल 4 पावर विंडो और चार्जिंग मोड्स मिल जाते हैं आपको हैरियर के बेस वेरिएंट से फ्रंट में और रियर में भी। लेकिन बात की जाए स्कॉर्पियो एन के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको पावर स्टेयरिंग ये तो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, ऑल 4 पावर विंडो, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, रियर रीडिंग लैंप, ये भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं, कोई बड़ा फीचर नहीं है। एडजस्टेबल हेड रेस्ट फ्रंट और रियर, ये भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। रियर एसी वेंट दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। रियर पार्किंग सेंसर, ये भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं। कीलेस एंट्री, यूएसबी चार्जिंग फ्रंट, आपको स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट में रियर में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन टाटा हैरियर में आपको दिया गया है। फैब्रिक सीट्स आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलती हैं। डिजिटल क्लॉक, डिजिटल एंड एनालॉग स्पीडोमीटर, ये भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलता है डुअल टोन डैशबोर्ड के साथ। इसके अलावा भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको ना ही तो स्पीकर वी स्पीकर मिलते हैं बेस वेरिएंट में, और ना ही आपको स्टूडियो जैसा कुछ मिलता है। यहाँ पर सिंपल सा डैशबोर्ड दिया गया है, आप आफ्टर मार्केट कुछ भी लगा सकते हैं। अब बात की जाए स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट के एक्सटीरियर की, तो यहाँ पर आपको 17 इंच के स्टील रिम मिलते हैं, उसके साथ साथ आपको LED टेल लाइट्स मिलती है स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट Z2 में। फ्रंट में आपको महिंद्रा का न्यू वाला लोगो मिल जाता है और डुअल बैरल हैलोजन हेडलाइट के साथ आपको फोग लाइट नहीं मिलती आपको स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट में। और इस सब के साथ साथ आपको ब्लैक वाली ग्रिल मिलेगी स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट में, यहाँ पर क्रोम ग्रिल नहीं मिलेगी फ्रंट में। बात की जाए टाटा हैरियर के बेस वेरिएंट की, तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है हैलोजन में, फोग लाइट आपको यहाँ पर भी नहीं मिलती। यहाँ पर आपको हैलोजन में DRLs मिलती हैं, लेकिन स्कॉर्पियो एन में कोई DRL PRL नहीं दी गई है। टाटा हैरियर में आपको बेस वेरिएंट से ही रूफ रेल्स और रियर स्पॉइलर मिल जाता है, लेकिन स्कॉर्पियो एन में बेस वेरिएंट में आपको रियर स्पॉइलर और रूफ रेल्स नहीं मिलती। टाटा हैरियर में आपको 16 इंच के स्टील रिम मिलते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो एन में 17 इंच के स्टील रिम मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको व्हील्स के साथ व्हील कैप्स मिल जाती है। डायमेंशंस आप दोनों गाड़ियों के अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डायमेंशंस वाइज तो बिल्कुल स्कॉर्पियो एन टाटा हैरियर से काफी बड़ी है। अब बात करते हैं प्राइस की, तो स्कॉर्पियो एन का Z2 वेरिएंट आपको इंडिया की किसी भी सिटी में ऑन रोड लगभग 15 से 15.5 लाख रुपए में मिल जाएगा। वेटिंग काफी ज्यादा है, जब तक आपकी गाड़ी डिलीवर होगी लगभग प्राइस 16.5 लाख रुपए ना हो जाए। लेकिन बात की जाए टाटा हैरियर के प्राइस की, तो इसका अभी करंट प्राइस है लगभग इंडिया की किसी भी सिटी में 17.20 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं वो जिसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, 15 लाख रुपए में स्कॉर्पियो एन खरीदनी चाहिए या फिर 17.5 लाख रुपए में टाटा हैरियर खरीदनी चाहिए।
तो दोस्तों इंटीरियर और एक्सटीरियर में दोनों ही गाड़ियों के आपको कुछ भी नहीं मिलता, बेसिक से फीचर्स दिए गए हैं। और टाटा हैरियर में आपको 16 इंच के रिम मिलते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो में आपको 17 इंच के रिम मिलते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है, टाटा हैरियर में आपको ज्यादा पावर मिलती है, लेकिन स्कॉर्पियो में आपको हल्की सी कम पावर मिलती है। और दोस्तों थर्ड पॉइंट यहाँ पर यह है, हैरियर में आपको 5 सीटिंग कैपेसिटी मिलती है, लेकिन स्कॉर्पियो एन में आपको 7 सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। मतलब स्कॉर्पियो में आप ज्यादा बंदे भरकर ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हैरियर में आपको बूट स्पेस काफी ज्यादा मिल जाता है, लेकिन आप वहां पर सीटें नहीं लगा सकते। सेफ्टी फीचर्स तो ज्यादा हैरियर में ही दिए गए हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज देखा जाए तो दोनों गाड़ियों में एक नंबर की पक्की सेफ्टी मिलती है। अब बात कर लेते हैं आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। देखिए भाई, अगर आप टाटा लवर हैं और आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, उसमें आपको पावर भर भर के चाहिए, तो आपके लिए बिल्कुल हैरियर का बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी रहेगा। लेकिन अगर आपको 7 सीटर गाड़ी चाहिए और उसके साथ आप हल्के से 2-4 सेफ्टी फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हालांकि आफ्टर मार्केट काम आपको इन दोनों गाड़ियों में ही कराना पड़ेगा, हैरियर ले लीजिए या फिर स्कॉर्पियो, दोनों में सीट कवर और इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसा काम आपको या फिर अलॉय व्हील्स जैसे आफ्टर मार्केट ही कराने पड़ेंगे। अगर आपको 7 सीटर गाड़ी की जरूरत है तो आपको बिल्कुल स्कॉर्पियो एन की ओर जाना चाहिए। स्कॉर्पियो एन में आपको एक तो 17 इंच के स्टील रिम मिल जाते हैं, और उसके अलावा वहां पर आपको 7 सीटर का ऑप्शन मिलता है, और इसके साथ साथ आपको एक बिग साइज की गाड़ी मिल जाएगी। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, इतनी कोई बेकार नहीं है, लेकिन हैरियर में आपको 5 सीटर मिलेगी, कभी भी आप उसमें 7 सीटें नहीं लगा सकते, और हैरियर आपको लगभग 2 लाख रुपए ज्यादा की मिलेगी स्कॉर्पियो एन से। लेकिन भाई स्कॉर्पियो एन के लिए आपको लगभग 2 से 2.5 साल तक का वेट करना पड़ेगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी, लेकिन टाटा हैरियर आपको 3 से 4 मंथ में आराम से मिल जाएगी। अब दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो भाई प्लीज ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।